कर्मचारी के पास संस्कार का अभाव है तो मान लीजिएगा उसके यहाँ न्याय का अभाव है, उसका यहाँ न्याय भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज सब हम अपने अधिकारियों को हृदय से अभिवादन करता हूँ और जरूर एक आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं तो विधायक जीवन मेरा रहेगा नहीं रहेगा कोई ठीक नहीं, ये कोई अस्थाई नहीं है और मेरा पैसा भी नहीं, लेकिन आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि जहां रहिए सुखी रहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग बाढ़ पिता के धर्म में अपने संतान को आगे बढ़ाना है तो जीवन में कुछ ऐसा करके जाना कि कम से कम जमाना ये कहे कि लड़का है तो अभय सिंह का है, लड़का है तो श्री पांडे का। देखिए पत्रकार जी, अब कलयुग है, पहले तो साधक और तपस्वी और त्यागी लोग आशीर्वाद दिया करते थे, श्राप दिया करते थे, लेकिन इस कलयुग में नर्तकी भी श्राप देने लगी, यही असली कलयुग का स्वरूप है। जया बच्चन एक बहुत ही फेमस परिवार से भी आती है, फेमस परिवार की जरूर हो लेकिन देखिए किसी भी परिवार की हो लेकिन उनका जो कार्य था, जो कार्य संस्कृति थी वो निश्चित रूप से जो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, तो वैसे लोग भी यदि और गायक और संगीतज्ञ और नर्तकी भी कोई ये करने लगे तो हमारे समझ से मान लीजिएगा कि असली कलयुग का ये रूप है। देखिए पत्रकार जी, हमारी सरकार की नियत तो बहुत पवित्र है कि 21 वर्ष की अवस्था तक बच्चियों को सामर्थ्यवान शिक्षित और सशक्त बना करके उनके जीवन को व्यतीत करने का एक सुंदर मार्ग प्रशस्त किया जा सके, लेकिन समाज हर तरह का ये करता है। मैं उसके पहले भी अपने सम्मानित सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि लड़कियों की शादी का उम्र जरूर 21 वर्ष होना चाहिए, साथ ही साथ एक और भी कानून बनना चाहिए कि 50 वर्ष के बाद पुरुषों को भी शादी नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों को भी शादी नहीं करना चाहिए, ये भी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, नहीं तो यह भी एक सामाजिक कुरीति है कि 70 वर्ष की उम्र में भी नेता और हमारे सब नेता लोग देखते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह को देखे ही होंगे, अब बताइए कल्पना करिए कि 70 वर्ष की उम्र में 25 वर्ष की ज्योति के साथ कोई शादी करता है तो इसे अभी एक सामाजिक बंधन का एक तरह से अपराध है। तो दोनों पर विचार हमारी सरकार कर रही है और होना चाहिए। वैसे 21 वर्ष की उम्र जो है, सरकार ने शुद्ध रूप से लड़कियों को सशक्त सामर्थ्यवान और सबल बनाने के उद्देश्य से किया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि कप्तान साहब ने तुरंत हमारे एडिशनल साहब को इस काम के लिए भेजा, घटना से वस्तुस्थिति जानकारी एडिशनल को हो गई है, सत्ता भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, जनता, लेकिन उसके पहले जनता मेरी है, सबसे पहले मेरी जनता है, तो जनता के प्रतिष्ठा के साथ कोई भी, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, जो उसकी प्रतिष्ठा के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो द्वाबा की धरती पर उसको रहने का अधिकार नहीं होगा। और मैंने उच्च अधिकारियों को बता दिया है, तत्काल अधिकारी उनको लेकर गए, यहाँ से थाना से गए, हमको उम्मीद है कि खुद दंडित होंगे, क्योंकि दंड देने की प्रक्रिया ऐसे नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा है कि मैं इसको जांच करके दंडित कर दूंगा और मुझे विश्वास है कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनको दंडित करने का प्रयास करेंगे।